पूजा पाठ, कर्म कांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में, जहां पर आप इस समय महाविद्या की प्रथम अधिष्ठात्री भगवती काली के दिव्य प्रयोगों का अध्ययन कर रहे हैं और उनके दिव्य मंत्रों में से यह क्रीम मंत्र का विधान हमने आपको दिया था। यह माँ काली का एकाक्षरी मंत्र, इसका जप माँ के सभी रूपों की आराधना, उपासना और साधना में किया जा सकता है और माँ काली के इस एकाक्षरी मंत्र का माँ चिंतामणि काली का विशेष मंत्र भी कहा जाता है। इसलिए सर्वप्रथम साधक को क्रीम मंत्र का ही पुरस्चरण करना चाहिए। जब यह मंत्र सवा लाख की संख्या में हो जाए तो माँ भगवती अपने आप भक्त के हृदय में आकर विराजमान होती है और उनके सारे मन की कल्पनाओं को पूर्ण करती है। दूसरा उनका त्रयक्षरी मंत्र है, ओम क्रीम ह्रूं ह्रीं। यह भी दिव्य मंत्र है, माँ काली की साधना व उनके प्रचंड रूपों की आराधना के लिए यह तीन अक्षरी मंत्र एक विशिष्ट मंत्र है। एकाक्षरी व त्रयाक्षरी मंत्रों को तांत्रिक साधना के मंत्र के पहले और बाद में संपुट की तरह लगाया जाता है। एकाक्षरी मंत्र का साधना के पहले और बाद में किया जाता है। इसी तरह से जो माँ भगवती का पंचाक्षरी मंत्र है उसको सुने, ओम क्रीं ह्रूं ह्रीं हूं फट। माना जाता है कि यह पंचाक्षरी मंत्र का जाप प्रतिदिन जब प्रातः काल में 108 बार किया जाए तो माता काली साधक के सभी दुखों का निवारण करके उसके यहां धन धान्य की वृद्धि करती है। पारिवारिक शांति के लिए भी इस मंत्र का जप किया जाता है। इसी तरह से जो उनका खड़ाक्षरी मंत्र है, ओम क्रीम कालिके स्वाहा, इस खड़ाक्षरी मंत्र का जप सम्मोहन आदि में प्रयोग करना चाहिए। तांत्रिक सिद्धियां जब हमें अर्जित करनी हो, किसी को आकर्षित करना है, सम्मोहन करना है, तो इस मंत्र को पुरस्चरण में जपना चाहिए, क्योंकि यह मंत्र तीनों लोकों को आकर्षित कर सकता है। इतनी क्षमता इस मंत्र में है, इसलिए इस मंत्र का प्रयोग पुरस्चरण के बाद ही प्रयोग होते हैं। अब माँ काली का कर्पूर स्त्रोत्र जो उनको प्रसन्न करने के लिए अत्यंत आवश्यक है, श्रवण करें। कर्पूरम मध्यमान्त्यस्वपररहितं सेन्दुबामाक्षियुक्तं बीजन्ते मातरे तज्जिब्रम मणिनं विद्यन्त्रे मातरे तज्जी त्रिपुरवधूः त्रिकृतं तेजपन्ति तेषां गद्यानि च मुख कुहरादुल्लसत्वेन वाचे स्वच्छन्दं ध्यानधारा धर रुचिर रुचिरे सर्वसिद्धिं गतानां ईशानः सेन्दुवामश्रवण परिगतं बीजमन्यन् महेशि द्वन्द्वं ते मन्दचेता यदि जपति जनो वारमेकं कदाचित् जित्वा वाचामधीशं धन तदविचिरं मोहयन्वाम्बुजाक्षिवृन्दं चन्द्रार्धचूडे प्रभवति स महाघोरवाणावतंसम् ईशौ वैश्वानरस्तः ससधरविलसद्मनेत्रेण युक्तो बीजं ते द्वन्द्वमन्यदि गलित चिकुरे कालिके ते जपन्ति द्रेष्टारन्ध्रन्ति ते च त्रिभुवनमपि ते वस्य भावं नयन्ति स्रक्चन्दन्दाश्रधाराद्वयधरवदने दक्षिणे कालिकेति उधर्ध्वद्वामे कृपाणकर्तल
कमले छिन्न मुंडम तथा सब्बे चाभिर्वरंच त्रिजगद धरे दक्षिणे कालिकेति जप्तै तन्मान वरणं तव मनु विभवं भावयन् त्वेतुदम्बं तेषामष्टौ करस्ताः प्रकटित मदने सिद्ध यस्त्रम्बकस्य वर्गाद्यं वह्निसंस्थं विधुरति ललितं तत्रयं कूर्मयुग्मम् लज्जा द्वंद्वं च पश्चास्मितर्मुखी तद् द्रष्टद्वयं योजयित्वा मातर्ये जपन्ति स्मर हर महिले बा भावयन्ते स्वरूपं ते लक्ष्मी लास्य लीला कमल दल दृशः कामरूपा भवन्ति प्रत्येकं वा त्रयं वा द्वयमपि च परं बीज मन्यन्तु गुह्यम् त्वन्नाम्ना योजयित्वा सकल मपि सदा भावयन्तो जपन्ति तेषां नेत्रारविन्दे विहरति कमला वक्रशुभ्रां सुबिम्बे दिव्यमुण्डस्रगतिशयल सत्कण्ठपीनस्तनाढ्ये गताशूनां बाहु प्रकरकृतञ्ची परिलस छिन्नन्निन्तम्बा दिग्वस्रा त्रिभुवन विधात्री त्रिनयनाम् स्मशानास्थे तल्पे सवरदि महाकाल सुरत प्रशस्ता त्वां ध्यायाञ्जननि जलचेता अपि कवि शिरो शिवाभिर्योराभिः सवनिवस मुण्डस्थिनिकरैः परम संकीर्णायां प्रकटित चितायां हरवधूं प्रविष्टां संतुष्टां परिसुरतेनाति युवतीं सदा त्वां ध्यायन्ति क्वचित् न तेषां परिभवः वदमस्ते किं वा जननि वयमुच्चैर्जडै धियो न धाता नार्पासो हरिरपि न ते वेति परमम् तथापि तद्भक्तिर्मुखरयति चस्माकमसिते तदेक्तक्षन्तव्यं न खलु शिशुरूपः समुचितः समन्तादापि नहस्तजनमुग्रदयौवनति रदासक्तो नवतं यदि जपति भक्तस्तव मुमुं बीवासास्त्वाध्यायन् गलितचिकुरस्तस्य वसगाः समस्ता सिद्धोघा भुवि चिरतरं जीवति कविः समहमुस्थीभूतो जपति विपरीतो यदि सदा विचिन्तं त्वां ध्यायान्नतिशय महाकाल सुरतां तदा तस्य क्षोणीतलविरहमाणस्य विदुषः कराम्भोजेवस्याय स्मरहरवधू सिद्धिनिवहा प्रसूते संसारं जननि जगति पालेति च समस्तं चित्त्यादि प्रलय समये संहरति च अतस्त्वां धातापि त्रिभुवनपतिः श्रीपतिरपि महेशोऽपि प्रायः सकलमपि किं स्तौमि भवतीं अनेके सेवन्ते भवदधीक गीर्वाणनिवहान् विभूमिमूढास्ते मातः किमपि न हि जानन्ति परमम् समारध्यामाद्यां हरिहरविरञ्चादिविबुधै प्रसक्तोऽस्मिं स्वैरं रतिरसमानन्दनिरतां धरित्री कीलालं सुचिरपि समीरोऽपि गगनं त्वमेका कल्याणी गिरिशरणमयी कालिसकलं स्तुतिः का ते मातस्तव करुणया मां गलिकम् प्रसन्ना त्वं भूया भवमनु न भूयान्मजनु श्मशानास्तस्त्वस्थो गलितचिगुरो दिपटधरः सहस्रस्त्वत्कर्णां निजगलितवीरेण कुसुमं जपस्त्वं प्रत्येकमपुमपि न ध्यायान निरतो महाकाली स्वैरं स भवति धरित्री परिवृढः ग्रहे सम्मार्जन्या परिगलित वीर्यं हि चिकुरं समूलं मध्याह्ने वितरति चितायां कुजदिने समोच्चार्यं प्रेम्णा जपमनुसकृतं कालिसततं गजारूढो याति क्षितिपरिवृढः सत्करविवरः
सुपुष्पैरा कीर्णै कुसुम मनसो मंदिर महो पुरोध्यायन यदि जपति भक्त स्तव ममुम सगंधर्व श्रेणी पतिरिव कपित्वा अमृत नदी नदीनः पर्यन्ते परम दलनीयः प्रभवति त्रिपज्वारे पीठे सव शिवरेदि स्मरेर बदना महाकाले च्वैनर्धर्म नमस्लावण्य निरताम महासक्तो नक्तम समपि रतानंद निरतो जनो ये ध्याये त्वामपि जननि सा स्यात् स्मरहरः सलोवस्ति स्वैरम् पललमपि मार्जारमसिते परस्रौष्टम् वैखम् नरमहिषयोक्षागतपि वा वलिन्ते पूजायामपि वितरताम् मर्त्यवसताम् सताम् सिद्धि सर्वा प्रतिपदम् पूर्वा प्रभवति वसीलक्षम् मन्त्रम् प्रजपहति भविष्यासनरतो दिवा मातुर्युग्मश्चरणयुग ध्याया निपुणः परम नग्दम नग्नो निबुध विनोदेन च मनुः जनो लक्षम स्यात् स स्मरहर समारह क्षितितले इदम् स्त्रोतम् माता स्तव मनुस्समुद्धारण जपः स्वरूपाख्यम् पादाम् भुजयुगल पूजा विधियुगम् निसार्धम् वा पूजा समयमदिवायस्तु पठति प्रलापे तस्यापि प्रसृति कपित्वा अमृतरसः कुरंगाक्षी वृन्दः तवनुसरति प्रेम तरलम् वसस्तच्छोणीपतिरपि कुबेरा प्रतिनिधि रिपुः कारागारम् कलयति च तद्गेलिकलया चिरं जीवन्मुक्तः स भवति भक्तः सप्रतिजनुः तिमन महाकाली विरचितं श्रीमद् दक्षिणाकालिकायां स्वरूपाख्यम् स्तोत्रं संपूर्णम्। यह भगवती महाकाली का सुंदर स्तोत्र जो मनुष्य को कवित्व के साथ काली कर्पूर स्तोत्र दिव्य है, इसका पाठ और इन मंत्रों का जब भगवती के साधक को अवश्य करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, अगले भाग में महाकाली के ही इन प्रयोगों में आगे कवच का वर्णन करेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।